सिल्की तो काफी ज्यादा हो गए हैं बाल। हाँ अमन कपूर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो यार आप सब? सब बढ़िया चल रहा है? अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं बस थोड़ी देर पहले उठा हूँ। तो अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि आज वाला व्लॉग किस चीज से रिलेटेड है। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं एक हेयर मास्क, और नॉर्मल हेयर मास्क नहीं भाई, प्रियंका चोपड़ा वाला हेयर मास्क। तो पहले हम उसे बनाएंगे, उसके बाद हम उसे अप्लाई करेंगे, फिर मैं शार लेने जाऊंगा और उसके बाद मैं आपको अपना रिएक्शन बताऊंगा। काफी अजीब लग रहा है मुझे ये करने में, क्योंकि इस हेयर मास्क में एग है तो मुझे पता नहीं कि स्मेल आएगी कि नहीं, लेकिन ट्राई करते हैं। चलो, पूरा सेटअप कर लिया है, यहाँ पे लाइट लगा लिया, स्टैंड लगा लिया, और ये रही चीज़ें। तो प्रियंका चोपड़ा ने बताया था कि हेयर मास्क के लिए 3 चीज़ें चाहिए, हनी जो कि ये है, एग एक, और योगर्ट यानी कि कर्ड। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और हेयर मास्क बनाएंगे। तो चलो, तो सबसे पहले हम अपने मास्क के लिए डालेंगे थोड़ी सी योगर्ट। आई थिंक इतनी योगर्ट बहुत होगी, थोड़ी और। उसके बाद हम एक एग को क्रैक करेंगे। एक सेकेंड, और अब हम थोड़ी सी इसमें हनी डालेंगे जो कि 1 टेबलस्पून था। ओ, थोड़ी ज्यादा डर गई है, बट कोई नहीं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, और अब हम इसे मिक्स करना शुरू करते हैं। इसे विप विप करेंगे जल्दी से, विप ही होता है ना, जो भी होता है। तो इसलिए मैं फोक लिया है क्योंकि फोक से अच्छा हो जाता है, वरना जो जिसे वो करते हैं वो ऐसे ऐसे, वो भी है घर पे, लेकिन को लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा इस बोल के लिए, तो फोक सही है। तो कुछ ऐसा बना है मास्क, एंड ये उसकी कंसिस्टेंसी है, लाइटिश येलो इन कलर होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई इसे, इसे अप्लाई कैसे करना है? तो हेयर मास्क लगा लिया, बहुत अजीब लग रहे हैं मेरे बाल। तो अपने पास ना एक टॉल ज़रूर रखो, वरना पूरा ड्राइंग रूम मैसी हो जाएगा और मम्मी बहुत गाली देंगी और शूटिंग रुक जाएगी आधा घंटा। तो अपना टॉवल एक ज़रूर रखो अपने पास। उसमें वीडियो में बोला था कि आपको ये आधे घंटे तक लगाना है, तो आई थिंक मुझे 20-25 मिनट्स हो चुके हैं। 5-10 मिनट्स बैठते हैं फिर देखते हैं। मुझे आधा घंटा हो गया अब इसे लगाए हुए, और अब मैं जा रहा हूँ एक शार लेने। शार लेके आते हैं और आपको इसका रिजल्ट बताते हैं, और मैं लगा लेता, आपको दिखा देता लगाते हुए, लेकिन जैसे कि मैंने बताया बहुत मैसी हो गया, तो मैंने सारा ड्राइंग रूम साफ कर दिया, जहाँ जहाँ भी मास गिरा है एक्सेप्ट मेरे बालों के, और अब शार लेने जाते हैं। तो चलो, तो शार ले लिया है, शेव भी कर ली है, और काफ़ी अलग हो रहे हैं बाल। तो अभी ना मैं 2 चीज़ें कर सकता हूँ, या तो मैं यूट्यूबर बन जाता हूँ या तो मैं नमन कपूर बन जाता हूँ। यूट्यूबर तो हम रोज़ बनते हैं, अब थोड़ा नमन कपूर बन जाते हैं। एक सेकेंड, तो इससे वाही याद ना, मास्क नहीं ट्राई करा मैंने अपनी जिंदगी में, बहुत ही बकवास था भाई। इतनी बदबू, इतनी बदबू, इतनी बदबू, मेरा पूरा ड्राइंग रूम गंदा हो गया। 3 टॉवल से ड्राइंग रूम साफ करा। एक तो इसकी कंसिस्टेंसी मुझे समझ में नहीं आई, मैंने जब ट्राई करा तो मेरी पीछे पूरी शर्ट पे गिर गया, तो वो पूरी एग की स्मेल भर गई, एंड मेरे को इतना प्यूकिश हो रहा था, इतना प्यूकिश हो रहा था, मैं बता नहीं सकता। फिर मैंने टॉवल्स लिए, टॉवल से अपनी पूरी पीठ वाइप करी। आधे घंटे मैंने मास्क लगा के रखा है, और आधे घंटे तक ना मैं यही सोच रहा था कि मैंने मास्क लगाया क्यों, ना मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम, ना मुझे किसी और चीज़ की प्रॉब्लम, ना कुछ, क्यों क्यों दुनिया रिग्रेट कर ली मैंने ये पूरा मास्क लगा के। लेकिन बाल अच्छे हुए इससे, मतलब पता नहीं अच्छे हुए भी हैं कि नहीं हुए, सिल्की हो गए हैं बस थोड़े से। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है मेरी लाइफ में कि जब मैं शार लेने गया तो मैंने मॉम का बॉडी वॉश यूज़ किया, वही सेंटेड बॉडी वॉश था भाई। जैसे ही मैंने शार लेने गया, मैंने वो ऑन लाइक पानी वानी चलाया सर पे, इतनी बदबू। प्रियंका चोपड़ा ने बोला था कि शैम्पू मत करना, बेबी शैम्पू से करना है, गर्म पानी से सिर्फ बाल धो लेना। 3 बार शैम्पू करा, उसके बाद 2 बार कंडीशन कर अपने बालों को, तब जाके स्मेल गई अपने बालों से। अगर आपको एग की स्मेल से प्रॉब्लम है तो कभी जिंदगी में मास्क ट्राई ना करो, लेकिन अगर आपको 21 मिनट से प्रॉब्लम नहीं है तो भी मत करो, क्यों क्यों क्यों। उसके बाद जितने भी बर्तन मैंने यूज करे सारे बर्तन खुद धोने पड़े। मॉम को 21 मिनट से प्रॉब्लम है, 2 कटोरियां, एक वो फोक और वो विस्कर भी यूज करा था मैंने, क्योंकि वो मास्क वो ऐसे कंसिस्टेंसी उसकी अजीब सी हो रही थी, इतना बकवास चीज थी भाई। दुनिया जहान की चीजें साफ करिए, सारा घर का काम मैंने आज ही कर लिया। तो हाँ, ये मैंने आपको एक नमन कपूर की साइड दिखाई,
अब यूट्यूबर बनते हैं। तो गाइस बहुत अच्छा मास्क था, बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं इससे, बहुत सिल्की हो गए हैं बाल। मास्क में हाँ थोड़ी स्मेल थी, लेकिन मास्क बहुत अच्छा था। चलो इसी नोट पे अब हम वीडियो एंड करते हैं। बाल भी मेरे सूख सूख गए हैं पूरे, आंखों पे कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो एक हेयर बैंड ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब अलग अलग वीडियोज आ रही है, बहुत अलग अलग, बहुत ऐसे नेक्स्ट लेवल। और नीचे कुछ कॉमेंट करना, मुझे कॉमेंट करना बहुत ऐसा लगता है।